साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉक पे। आज हम साइंस टॉक पे ये देखेंगे कि 2019 में जो पीसीएस का एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, उसमें ज्योग्राफी सेक्शंस कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो कल किस क्वेश्चन पूछे गए थे आइए उनको जल्दी देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। हमें क्या बताना है कौन सी भारत में अवस्थित नहीं है, तो आपको पता होगा कि जो आपका गुरला मानधाता और आपका कामेट, ठीक है, सॉरी गुरला मानधाता और नामचा बरवा, ये दोनों ही आपके भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, जो गुरला मानधाता पर्वत है ये आपका पश्चिमी तिब्बत में, कहाँ पे आपका, ये आपका वेस्ट तिब्बत में है। ये तो नहीं होगा। इसके साथ जो नामचा बरवा है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश के सटा हुआ है और ये भी आपका तिब्बत में है। ये भी हमारा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ तिब्बत में, तो दोनों ही हमारे नहीं, तो ऑप्शन इसका दोनों सही हो जाएगा, ये और भी दोनों सही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोचिए कुछ दोस्त मिलित करना है हमें। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें अगर आपको एक आदमी आता है तो यहाँ से दिमाग आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए, अब होता है जो सिंगरौली और सिंगरैनी दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही फेमस। ठीक है, तो देखिए जो सिंगरौली है आपको पता है सिंगरौली आपका ये एमपी और आपका यूपी दोनों में ही है, तो सिंगरौली तो आपको पता होगा। तो जो सिंगरौली है ये आपका सोन घाटी में, सिंगरौली कहाँ है आपका सोन घाटी में, सी का दो मिला लेते हैं हम, सी का दो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। इसी तरह जो सिंगरेनी है, सिंगरेनी जो है तिंगला तेलंगाना में, कहाँ है तेलंगाना में, और तेलंगाना में कौन सी घाटी है आपकी, नदी घाटी कौन सी है, गोदावरी, तो डी का थ्री, अब डी का थ्री मिला लीजिए, डी का थ्री, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी का थ्री तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो तालचीर है, तालचीर कहाँ है वो महानदी घाटी में, कहाँ पे आपका महानदी घाटी में, और फिर कर्णपुर आपका दामोदर घाटी में हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है, पता है आपको, हर बात का फेमस क्वेश्चन है। पश्चिम से पूर्व की ओर, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, वो कम होती है। आपको पता है जो मेडिटेरेनियन सी से जो बारिश होती है उसमें पूर्व से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर जब भी हम मूव करेंगे तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। आपको पता होगा कि जो नदी का ऊपरी भाग मीठा परंतु निचला भाग अगर खारे की बात की जाती है तो उसमें आपके अलग अलग नदियां हैं, पर जो सबसे फेमस है कौन सी, वो लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ आपके राजस्थान में है। ठीक है, और जो कि अजमेर की जो अरावली श्रृंखला है वहीं से निकलती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, बहुत फेमस है लूनी नदी राजस्थान वाले। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। तो आपको पता होगा भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको मोरीबंद डेल्टा है, जो मोरीबंद डेल्टा है ये ब्रह्मपुत्र और गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब जो मोरीबंद डेल्टा है ये आपका कहाँ है, ये बंगाल का उपविभाग है, कौन सा है, बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। मध्य भारत की बात की जा रही है, ठीक है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब आपको पता होगा कि ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, आपका इधर ईस्ट होता है, उधर क्या होता है, वेस्ट होता है, तो बोला जा रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा था, आपको पता होगा इसमें ऑप्शन हमारा मैकाल, मैकाल तो है ही नहीं, ठीक है, सतपुड़ा और सॉरी मैकाल तो है ही नहीं, तो ऑप्शन और मैकाल हटा दीजिए, ये हट जाएगा। ठीक है, अब सतपुड़ा हम देखते हैं, अब सतपुड़ा के बाद जस्ट महादेव, ये भी सही है। ठीक है, दोनों में सही आ रहा है, चले, और मैकाल पहले आता है फिर छोटा नागपुर, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए था दूसरे को था। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन कर रहा, पता करने मजे आते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र, आपको पता होगा कि जहां पे पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा होगा वहीं पे सबसे अधिक आपकी भूकंपीय क्षेत्र होगा, तो ऑप्शन तुम्हारा पहला तो हमारा सही हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उद्गम क्षेत्र अवस्थित है, भी सही है कि आपको पता है हिमालय में बहुत से ऐसे उद्गम क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा ही इसके सेस्मिक जो सेस्मिक जोन है उसकी अधिकता पाई जाती है, तो ए और आर दोनों ही सही है, उसके सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, जो आपका इम्फाल बेसिन है वो किस चीज का एक सुंदर उदाहरण है, तो आपको पता होगा इम्फाल बेसिन में आपका सरोवरी मैदान का किसका उदाहरण है, ये सरोवरी मैदान, मैदान का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है, क्योंकि किसी झील के अवस्थित के कारण जो तलछट में जो जमा हो जाता है, ठीक
मैदान, उसके चलते एक सरोवरी मैदान बनता है, ठीक है, क्योंकि कश्मीर घाटी इम्फाल बेसिन इसके अच्छे उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने ब्रंस घाटी प्रभाव के लिए फेमस है? आपको पता ही होगा, तो बार बार पूछा जा रहा है कि जो आपकी इसमें जो भी दिया गया है, ठीक है, इसमें जो दामोदर नदी घाटी है, ये आपके ब्रंस घाटी प्रभाव के लिए सबसे ही अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आपको पता होगा कि जो ब्रंस घाटी का जो नदी होती है, अपने अनुप्रवाह से दाहिनी ओर तीक्ष्ण मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो इसके लिए दामोदर आपके बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला हमसे ही बोला जा रहा है कि मुख्य हिमालय के परतदार चट्टाने जीवाश्महीन है, ये कैसे पॉसिबल? पहला ही तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा। हाँ, हमें ये बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है, हमको पूर्ण दिए गए इसमें से कौन सा हमारा क्या है सुमेलित है। ठीक है, चलिए तो आपको पता होगा मतलब सही है। ठीक है, मुख्य हिमालय के परतदार चट्टे जीवाश्महीन है, ऐसे कैसे पॉसिबल भाई, पूरा जीवाश्म तो भरा पड़ा है, तो ये तुम्हारा पहले ही गलत हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही, को पता धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, तो जो लघु हिमालय से किसी भी प्रकार का हिमालय हो वहां पे समुद्र जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलेंगे, तो ऑप्शन हमारा दो तो सही हो गया। ठीक है, ये तो सॉरी, ये तुम्हारा सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन हम कह रहे हैं कि वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले, ये भी सही है। ठीक है, मतलब दो और तीन दोनों ही सही है, बट एक हमारा गलत है। जब एक गलत हो गया, तीन ऑप्शन अपने आप को मटा दी, तो बचा हमारा क्या, ऑप्शन बी सही है। ठीक, आइए अगला हम देख रहे हैं, स्वेज नहर क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण की ओर जान पड़ने वाले झीलों का सही क्रम। आपको पता है स्वेज नहर बहुत ही फेमस है, और आपको पता है हाल ही में जो विगत वर्षों में जो उसमें एक सीप के चलते जो फेमस फंस गया था, उसके चलते फेमस हो गया। ठीक है, तो जो स्वेज नहर का है, इसे सबसे पहले आपका लेक मझला आता है, फिर लेक टेम्सा आता है, फिर लेक बेटर लेक आता है, फिर लेक लिटिल बेटर लेक आता है। ठीक, मतलब लेक पहले मझला याद करिए, मझला आएगा, फिर लेक टेम्सा आएगा, फिर लेक बेटर लेक आएगा, फिर लिटिल बेटर लेक आएगा। ठीक है, इस क्रम को याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, जो आपका टेलीग्राफिक पठार है वो किसका हिस्सा है? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टेलीग्राफिक पठार होता है वो एक मतलब हाइड्रोग्राफिक मिथक है, एक मिथक है। ठीक है, और इसको 19वीं शताब्दी के मध्य में स्टार्ट किया गया था, और जो कि जो टेलीग्राफिक पठार है आपका उत्तरी अटलांटिक कटक का, ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक पार्ट है, ठीक है, ये उसी का एक भाग होता है। सूची को सूची दो से मिलाना है हमें। ठीक है, देखिए ये तो बार बार आप देख रहे हैं, पिछली बार भी ये हर बार क्वेश्चन आए जा रहा था। आपको पता है हरिकेन्स है, जो हरिकेन्स है ये कहाँ पे हमारा यूएसए में फेमस है। देखिए हर बार ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम तो हर बार आ ही रहा है, तो इसको भी आप याद रखें। हरिकेन्स कहाँ मिलते हैं? तो आपको पता होगा जो हरिकेन्स होते हैं वो यूएसए में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? यूएसए में। इस तरह टैफू है, टैफू कहाँ मिलता है आपका? जापान में। टैफू कहाँ मिलता है? जापान में। और विलीबिलिस कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो बचा हमारा क्या, वही होती है, कहाँ मिलेगा आपको? फिलीपींस में। इसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, हरिकेन्स डी का फोर, मतलब दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। फिर कह रहा है कि विली विली ऑस्ट्रेलिया में है, तो ए का टू, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो आपको पता होगा इसमें जो अलग जो साइबेरिया का जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये बहुत ही बड़ा रेल मार्ग कह सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जो रेल मार्ग है आपका यही है, जो करीब 10,000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और जो रूस की राजधानी जो मॉस्को है, उससे जो व्लादिवोस्क, जो इसमें बहुत फेमस है आपका, जिसको अलग करना चाहता है यूक्रेन, ठीक है, मॉस्को से व्लादिवोस्क को जोड़ने का कार्य करता है, तो इसमें ये आप कह रहे हैं कि कौन सा रेल मार्ग अवस्थित नहीं है, तो इसमें याद, इसमें जो सोची है, सोची को छोड़ के बारे के सारे, इसके बाद जो भी आपके कजान हो गए, ओमस्क हो गया, चिता हो गए, ये सारे के सारे जो नगर है वो अवस्थित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पवन है, और दूसरा इसका क्या है आपका, देश है। तो इसमें देखिए जो सबसे फेमस है, आपको पता होगा कि इसमें अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हमें कौन सा बताना, कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा जो यामो है, यामो आपको पता होगा, यामो जापान का बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह जो सांटा आना है, ये भी आपका आना होता है, सांटा आना जो होता है ये आपका कैलिफोर्निया में सही है। इसे जो हबूब है, हबूब भी आपका सूडान की एक स्थानीय पवन है। बट जो मिस्टल है, मिस्टल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में जो मिस्टल होती है ठंडी हवाएं होती हैं, और जो कि स्पेन और फ्रांस में मिलती है। कहाँ मिलती है आपकी? स्पेन में और फ्रांस में। ऑप्शन हमारा तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थली पवने मिलती हैं वो गर्म हवा वाली होती है, ठीक है, जिब्राल्टर वगैरह मिलती है, तो मिस्टल कहाँ मिलती है हमारे, स्पेन और फ्रांस में, तो ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा। ठीक, अगला हम देखते हैं, फिर से वही आ गया कि तूफान या हरिकेन और इसके प्रभावित देश कौन से है। फिर से देख लीजिएगा, आपको पता है कि इसमें जो हरिकेन्स है, अच्छा हरिकेन्स नहीं, सॉरी, ये डोरिजिन है और फिर आपका लैम्प, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें जो आपका डोरियन है, ठीक है, जो डोरियन है ये आपका बहामास में है, डोरियन आपका कहाँ है, ये आपका बहामास में, सही है, ठीक है। चलिए इसी तरह जो आपका एचबीबी है ये आपका जापान में, एचबीबी कहाँ के लिए फेमस है, आपका जापान के लिए फेमस है। इसी तरह जो लैकिमा है, लैकिमा कहाँ के लिए फेमस है, आपका चाइना। तो बच्चा हमारा क्या मिटक, मिटक कहाँ होगा, जेजुआ आपका दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए का वन, मतलब इधर ऑप्शन हट गए, ठीक है। आइए आप इसका जे जी बीस, मतलब बी का फोर, बी का फोर, बी का फोर, मतलब ऑप्शन हमारा बी सही है, बाकी सारे गलत होगा, ठीक है। आइए हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची से मिलाना है, एक वनस्पति क्षेत्र है और फिर वनस्पति का प्रकार है, फिर उसका क्षेत्र है, ठीक है। ये देखिए हर बार ये भी क्वेश्चन आ रहा है, तो अब देखिए अब इसमें अगर एक भी आप कर ले रहे हैं तो आप आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो आपका मेंटोरेले है, ठीक है, ये चिली में है, ये उसका सही हो गया, मेंटोरेले कहाँ है आपका, चिली में, ये भी सही है हमारा, ठीक है। इसी तरह जो माकची है, माकची ये हमारा भूमध्य सागर में है, माकची कहाँ होता है, या माकवी या माकची दोनों बोलते हैं, माकची होता है ये आपका कहाँ है, ये आपका भूमध्य सागर से रिलेटेड है, ठीक है। चले इसी तरह जो चैपरल है, चैपरल कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, तो एक बचाव मिला लीजिएगा, ए का टू, ए का टू, ए का टू, देख लीजिए ए का टू, बहुत ऑप्शन हमारा एक ही सही है, बाकी सारे सारे गलत है। देखिए कहने का मतलब ये, अगर एक भी अगर आप एलिमिनेट कर दे रहे हैं तो आराम से आपको आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सूची को सूची दो से मिलित करना है, अब राजधानी है ये तो आप कर ही लेंगे, बट फिर भी आइए हम मिलाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान, उसकी राजधानी क्या होती है, वो ताशकंद है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, बिल्कुल सही है, ए का वन। अच्छा देखिए इसका ऑप्शन कितना सब घुमा बनाया है कि इसको हटा के कुछ नहीं कर सकते, सारे के सारे ए का वन ही है, ठीक है। चलिए इसी तरह जो आपका किर्गिस्तान है, ठीक है, जो किर्गिस्तान है इसकी राजधानी आपकी बिम्सकेक ही है, मतलब ये भी सही है, मतलब सी का तीन, सी का तीन, मतलब ऑप्शन हमारा एक ही सही है, बाकी सारे गलत हो गए, ठीक है। सी का तीन तो बाकी सब बनेंगे ना, तो ऑप्शन हमारा एक सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। इस तरह आप निकालेंगे अलग का तुर्कमेनिस्तान का क्या हो जाएगा, अशगाबाद हो जाएगा, बचा हुआ ताजिकिस्तान का दुशान पे हो जाएगा, ठीक। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वनस्पति का प्रकार और क्षेत्र बताना हमें कि, अच्छा बहुत ज्यादा इसमें मिलाने वाला मिल गया भाई, आइए देखते हैं। चलिए इसमें जो वनस्पति के प्रकार के, आपको पता है देवदार, देवदार बहुत फेमस, ठीक है, जो देवदार होता है वो आपका भूमध्य सागरी कहाँ मिलता है, ये भूमध्य सागरी है, ठीक है, डी का वन, तो डी का वन मिला लीजिए, डी का वन, मतलब देख रहे हैं कि ऑप्शन वन और ये, मतलब डी तो हटा दीजिए और बी हटा दीजिए, ठीक है, सॉरी डी और बी नहीं हटाना है, हाँ ठीक है, डी और बी, मतलब क्योंकि डी का वन सही है, ठीक है। चलिए अब इसके साथ जो बबूल है, बबूल इंडिया में मिलता है, याद रखिएगा इसका क्षेत्र कहाँ से, ठीक है, जो बबूल होता है वो आपका रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादा मिलेगा, रेगिस्तानी इलाका कौन सा है आपका, जैसे हमारे इंडिया में मिलता है राजस्थान वगैरह में, तो सहारा लगा दीजिए, तो बी का थ्री, बी का थ्री, बी का थ्री, मतलब बी का थ्री यहाँ पे है, और देखिए इसमें इस वाले में नहीं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा बिल्कुल लॉजिक लगा रहे हैं आप, तो सारे सारे आंसर आपके सही होते जा रहे हैं, ठीक। आइए हम अगला देखते हैं, कह निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए फिर वो जनजाति वाला आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको पता है जो पिग्मी जनजाति है वो कॉन्गो बेसिन में है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह अंगामी है, देखिए पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, अंगामी और रेगमा दोनों यहाँ था, अंगामी हमारा जो है नागालैंड में ही है, ठीक है। अब इसी तरह हम अगला देखते हैं कि आपका जो एनु जनजाति, ये भी जापान में मिलती है, मतलब किर्गिज है, ये किर्गिज वहां नहीं मिलती है, ठीक है, किर्गिज जो होती है वो मध्य एशिया में पाई जाती है, ठीक है, मध्य एशिया में पाई जाती है, तो सूडान में नहीं मिलती है, जो ईरान हो गया आपका, ईरान हो गया, ठीक है, फिर टर्कीज हो गया, वहां पे किर्गिज मिलती है, किर्गिज सूडान में नहीं मिलती है, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़ी शिकारी देशों के शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है, क्या आपको पता है जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश होगा, क्योंकि भाई जहाँ पे उष्णकटिबंध होगा वहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, ठीक है, बारिश ज्यादा होगी, सॉरी टेम्परेचर ज्यादा होगा, पहले टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर वहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, जब बारिश ज्यादा होगी तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी चौड़ी पत्तियों वाली या बड़ी बड़ी घासें, जब घास ज्यादा होंगी यहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे आपके
जंगल ज्यादा होंगे, जंगल ज्यादा होंगे तो वहाँ जानवर होंगे, जानवर होंगे तो वहाँ शिकारी आएंगे, तुम्हारे क्या जो ऑप्शन बी सही होगा, बाकी सारे सारे गलत होंगे। ठीक है, इस तरह ये आपको 19 का भी 2019 का पेपर खत्म हो गया। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।